एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के समय ही कहा था कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। अब यूपीए के सहयोगी दल ही कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। मिश्रा ने कहा, कांग्रेस शोले के सिक्के जैसी हो गई है, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि आज विधायक कुशवाहा और कल दो और विधायकों के पॉजिटिव होने की खबर मिली थी। विधायक अधिकारी कर्मचारी मिलाकर लगभग 49 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सावधानियों की आवश्यकता है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस की टिप्पणी पर कहा कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालते। विपक्ष ने स्वयं अपने कार्यकाल में समय पर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवाए, चुनाव के नियम कानून बदल डाले। विपक्ष ने अपने 15 महीने की सरकार के दौरान कुछ किया होता तो आज चार्टर की जगह ट्रैक्टर पर बैठकर घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे होते। हाँ, अभी अभी मैंने देखा कि डब्बू भैया कुशवाहा, सिद्धार्थ कुशवाहा भी पॉजिटिव हो गए। कल भी माननीय दो विधायक पॉजिटिव आए थे। विधानसभा सचिवालय की भी 10-15 कर्मचारी अधिकारी हैं और कर्मचारी भी लगभग ऐसे हैं। ऐसे 49 लोग लगभग पॉजिटिव हो गए, विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिला है। बैक करोना है, रिवर्स करोना है, आवश्यकता सावधानियों की तो है, लेकिन जब बैठेंगे सामूहिक रूप से तभी उसको अंतिम रूप दिया जाए। वो सज्जन सिंह वर्मा जिनने एक दिन में खत्म कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बुलानी पड़ी थी विधानसभा, आपको ध्यान है? शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर फेंक रहे हैं, अचंबा ये है। अचंबा ये नहीं है कि होगी या नहीं होगी, अचंबा ये है कि जिनने ये जुर्म किया है वह कह रहे हैं, न्याय की बात वो कर रहे हैं। नियम कानून की प्रतियां दे देंगे उनको, पर अगर 15 महीने में ऐसा कुछ किया होता तो चार्टर में चलने वाले को ट्रैक्टर पे नहीं आना पड़ता, चार्टर में ही चल रहे होते। किसान से झूठ बोला, धोखा दिया, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। एक किसान का भी 2 लाख माफ नहीं किया, आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं, हिंदी में घड़ियालू आंसू कहते हैं। सामना में लिखे लेख पर उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और शाह जैसा नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं है। पहले ओबामा की किताब में और अब सब सामना अखबार में। पहले हम कहते थे, अब तो ये सब भी कह रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी दल कह रहे हैं, राहुल जी हटते हैं तो सोनिया गांधी हटती हैं तो राहुल गांधी। कांग्रेस शोले मूवी के सिक्के जैसी हो गई है। गांधी जी ने भी कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस लगातार अप्रासंगिक होती जा रही है। पहले ओबामा की किताब में, अब सामना अखबार में। इनकी ख्याति तो अंतरराष्ट्रीय हो गई है। पहले हम लोग कहते थे, अब उनके सहयोगी दल कह रहे हैं। अब तो मान जाए राहुल बाबा, माननीय मोदी और शाह की मुकाबले का कोई नेतृत्व तो नहीं है इनके पास में। मित्रों, महात्मा गांधी ने तो उस समय कहा था आजादी के आंदोलन के बाद कि अब कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, और अब तो उनके सारे सहयोगी दल कह रहे हैं। और इसलिए मैं प्रारंभ से कहता हूं कि ये कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। सोनिया जी के हटने की बात आती है स्वास्थ्य के कारण से तो राहुल जी के हटते हैं तो सोनिया जी। शोले पिक्चर में वो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज छपी हुई थी, वैसे ही सिक्का है, कहीं उछालो कहीं भी गांधी परिवार ही निकलता है उसमें। राहुल जी निकले चाहे सोनिया जी चाहे प्रियंका जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक,
दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।